मूवी की स्टार्ट में हम एलिजाबेथ और विल को देखते हैं। उसी पल वहां पर लॉर्ड कटलर आ जाते हैं और वो उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन दोनों की वजह से कैप्टन जैक स्पैरो, जो कि एक पायरेट हैं, वो पिछले पार्ट में अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया होता है। बाद में लॉर्ड कटलर विल को अपने पास बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं कि मैं तुम दोनों की जान बख्श सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जैक स्पैरो के पास एक कंपास है जिसे वो हमेशा अपने पास रखता है। वो कभी भी उसे अपने से दूर नहीं होने देता है। वो कंपास अगर तुम मुझे लाकर दे सको तो मैं तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। विल लॉर्ड कटलर की बात पर अग्री करता है और वो वहां से निकल जाता है। इधर ब्लैक पर्ल शिप में हम जैक स्पैरो को देखते हैं, जो कि अपने साथियों को एक कपड़े को दिखाता है। उस कपड़े में चाबी की ड्राइंग होती है। जैक अपने लोगों को बताता है कि ये चाबी जरूर ही किसी बड़े से बॉक्स की होगी, जिस बॉक्स को ओपन करने से हम सबको कीमती पत्थर, हीरे और बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। इसीलिए हमें जल्द से जल्द की को हासिल करना होगा, और इसके लिए जैक अपने कंपास की हेल्प लेता है ताकि उसे पता लग सके कि आखिर उन्हें किस दिशा में जाना होगा। लेकिन उसका जो कंपास होता है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता है। उसी पल जैक को वहाँ किसी के मौजूद होने का एहसास होता है, और जब वो नीचे देखने जाता है तो उसे वहाँ पर एक अजीब सा शख्स मिलता है। ये शख्स असल में विल के डैड होते हैं, जो कि काफी वक्त से डेवी जोन्स के शिप पर गुलामी कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने डेवी जोन्स से सौदा किया होता है और वादे के मुताबिक अब इन्हें डेवी जोन्स के शिप पर गुलामी करनी पड़ रही थी। डेवी जोन्स इसी तरह से लोगों से सौदा किया करता था और बाद में वो उन्हें हमेशा के लिए गुलाम बना लिया करता था। खैर, विल के डैड जैक को बताते हैं कि तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका है। तुमने काफी टाइम पहले डेवी जोन्स से सौदा किया था और सौदे के मुताबिक अब तुम्हें गुलाम बनकर हमेशा के लिए उसके शिप पर काम करना होगा, और अगर तुमने उससे भागने या छिपने की कोशिश की तो वो सी में अपना सबसे पावरफुल मॉन्स्टर क्रैकन को तुम्हारे पीछे भेजेगा। बाद में विल के डैड जैक के हाथ पर एक अजीब सा निशान देकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम विल को देखते हैं, जो कि जैक की सर्च करते हुए एक टापू पर आ गया होता है। उसी पल विल को कुछ आदिवासी लोग पकड़ लेते हैं और वो उसे लेकर अपने सरदार यानी जैक के पास आ जाते हैं। दरअसल जैक ने क्रैकन नाम के दानव से बचने के लिए वो अपने साथियों के साथ यहाँ पर रह रहा होता है। बाद में वो लोग विल को जैक के बाकी साथियों के साथ बंद कर देते हैं। जैक को लग रहा होता है कि ये लोग उसे अपना किंग मान रहे हैं और वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा भी कर रहे हैं, लेकिन असल में वो लोग तो जैक की बलि देने वाले होते हैं। जब इस बात का एहसास जैक को होता है तो वो अपने साथियों के साथ किसी तरह वहाँ से भाग जाता है और वो जल्द ही अपनी शिप पर आ जाता है। विल जैक को बताता है कि उसे उसकी कंपास की जरूरत है ताकि वो लॉर्ड कटलर को वो कंपास देकर अपनी और एलिजाबेथ की जान बचा सके। ये सुनकर जैक विल को बताता है कि लॉर्ड कटलर को इस कंपास की नहीं बल्कि इस चाबी की तलाश है। वो इस कंपास की हेल्प से उसकी तक पहुंचना चाहते हैं ताकि वो उस बॉक्स को हासिल कर सकें जिसमें डेवी जोन्स का हार्ट है। खैर, बाद में वो मैजिशियन टिया डेलमा के पास आ जाते हैं। जैक इस शख्स के पास इस वजह से आया होता है ताकि इस मैजिशियन की हेल्प से वो उसकी तक पहुंच सकें, क्योंकि उसका जो कंपास होता है वो सही से वर्क नहीं कर रहा होता है। टिया डेलमा अपनी पावर्स की हेल्प से जैक और बाकी लोगों को बताती हैं कि ये चाबी एक तरह के बॉक्स की है जिसके अंदर कोई कीमती चीज नहीं बल्कि डेवी जोन्स का हार्ट है, और उस बॉक्स की चाबी किसी और के पास नहीं बल्कि खुद डेवी जोन्स के पास है। डेवी जोन्स उस की को हमेशा अपने पास रखता है। वो उस की को कभी भी अपने से दूर नहीं होने देता है। वो मैजिशियन जैक को बताती हैं कि डेवी जोन्स को एक श्राप है जिसके चलते वो जमीन पर पैर नहीं रख सकता है।
वो सिर्फ समुद्र में ही अपने साथियों के साथ रहता है। इसके साथ ही वो जैक को मिट्टी का एक जार देती हैं और वो उससे कहती हैं कि जब तक ये तुम्हारे पास हैं, डेवी जोन्स तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जिसके बाद ये सब काफी लंबा सफर तय करके डेवी जोन्स के शिप के पास आ जाते हैं। विल बाकी सब लोगों को बताता है कि वो शिप के अंदर जाएगा और वो डेवी जोन्स से जल्द ही उसकी को हासिल कर लेगा, जिस पर जैक उसे बताता है कि डेवी जोन्स कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो ऐसा शख्स हैं जिसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं। इसीलिए तुम ये काम बहुत ही ध्यान से करना, और अगर डेवी जोन्स तुम्हें पकड़ ले तो तुम उससे ये कहना कि जैक ने उसे अपना कर्जा चुकाने को भेजा है। जिसके बाद विल डेवी जोन्स के शिप पर आ जाता है, लेकिन जल्द ही उसे डेवी जोन्स के लोग पकड़ लेते हैं। विल उससे कहता है कि जैक ने अपना कर्जा उतारने के लिए उसे भेजा है। ये सुनकर डेवी जोन्स को काफी गुस्सा आता है और वो अगले ही पल जैक की शिप में आ जाता है। वो जैक से कहता है कि अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, वक्त पूरा हो चुका है और वादे के मुताबिक अब तुम्हें मेरी शिप पर गुलाम बनकर रहना होगा। जिस पर जैक उससे कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि मेरी कीमत बहुत ही ज्यादा है। डेवी जोन्स उसकी इस बात पर कहता है कि बिल्कुल तुम्हारी कीमत 100 लोगों के बराबर है। मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ, अगर तुमने मुझे 100 आदमी दे दिए तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना ही होगा, तुम्हारे पास दूसरा कोई चांस ही नहीं होगा। जिसके बाद जैक दूसरी प्लेस पर आ जाता है और वो वहाँ पर लोगों को डेवी जोन्स के हवाले कर रहा होता है, लेकिन जैक ने अब तक बस 4 लोगों को ही जमा कर पाया होता है। इस बात से जैक काफी ज्यादा परेशान होता है। वहीं पर हम लेफ्टिनेंट जेम्स को देखते हैं, जिन्हें लॉर्ड ने जॉब से निकाल दिया होता है और अब वो भी जैक की तलाश कर रहे होते हैं ताकि उन्हें उनकी जॉब वापस मिल सके। लेकिन जैक के साथ वहाँ उसके लोग भी होते हैं, इसीलिए जेम्स जैक के साथ मिल जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो इतने सारे लोगों से अकेला नहीं लड़ सकता है। बाद में जब ये सब ब्लैक पर्ल शिप पर जाने वाले होते हैं, उसी दौरान वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती हैं और वो जैक से सवालात करती हैं कि विल टर्नर कहाँ पर हैं, जिस पर जैक उसे बताता है कि वो डेवी जोन्स की कैद में हैं और अगर तुम उसे आजाद देखना चाहती हो तो तुम्हें उस बॉक्स की सर्च करना होगा जिसके अंदर डेवी जोन्स का हार्ट है। उसी पल जैक कंपास को एलिजाबेथ को दे देता है, जिसके बाद ही वो कंपास उन्हें उस प्लेस की लोकेशन के बारे में बता देता है। ये देखकर जैक और बाकी लोग उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर विल उस शिप पर अपने डैड से मिलता है। वो उनसे पूछता है कि आप शिप में काफी वक्त से हैं, तो आपको उसकी के बारे में जरूर ही मालूम होगा। विल के डैड उसे बताते हैं कि उस की के बारे में मुझे तो क्या, इस शिप पर मौजूद किसी भी शख्स को इसके बारे में नहीं पता है। उस की के बारे में सिर्फ एक ही शख्स को पता है और वो है डेवी जोन्स। टिपल विल की नज़र वहाँ पर मौजूद लोगों पर पड़ती है जो कि एक गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें वो दांव पर कुछ न कुछ लगा रहे होते हैं। उस गेम को देखकर विल को एक आइडिया आता है और वो उन लोगों से कहता है कि मैं भी इस गेम को खेलना चाहता हूँ, लेकिन मेरा अपोनेंट तुम्हारा बॉस यानी डेवी जोन्स होगा। ये सुनकर डेवी जोन्स वहाँ पर आ जाता है और वो उस गेम को खेलने के लिए रेडी हो जाता है। विल उसे बताता है कि वो इस गेम में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाएगा और साथ ही वो डेवी जोन्स से कहता है कि तुम इसमें सबसे कीमती चीज यानी उस चाबी को दांव पर लगाओगे जिससे उस बॉक्स को ओपन किया जा सकता है, जिस बॉक्स में तुम्हारा हार्ट है। डेवी जोन्स विल की बात से सहमत हो जाता है और वो गेम को स्टार्ट कर देता है और जल्द ही वो गेम में विल को हरा देता है। बाद में वो वहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि विल को पता होता है कि वो चाबी कहाँ पर है,
जिस वजह से वो नाइट में डेवी जोन्स से उस की को हासिल कर लेता है। नेक्स्ट डे जब डेवी जोन्स को इस बारे में पता लगता है तो उसे विल पर काफी गुस्सा आता है और वो उस जगह पर बढ़ने लगता है जहां पर वो बॉक्स होता है और उसमें उसका हार्ट होता है। इधर ये सब उस प्लेस पर आ गए होते हैं जहां पर वो बॉक्स होता है। उसी पल वहां पर विल भी आ जाता है और अब इन तीनों लोगों में बहस हो जाती है कि इस बॉक्स को कौन अपने साथ ले जा सकता है। बाद में वहां पर डेवी जोन्स के लोग आ जाते हैं। जैक बॉक्स से हार्ट को लेकर जार में रख देता है और बाद में ये सब शिप से निकल जाते हैं। डेवी जोन्स के लोग बॉक्स के साथ वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद ब्लैक पर्ल के बगल में डेवी जोन्स का शिप आ जाता है और वो उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जैक और बाकी लोग उनसे आगे निकल जाते हैं। ये देखकर डेवी जोन्स क्रैकन को उनके पीछे भेजता है, जिससे क्रैकन शिप पर अटैक कर देता है। उस जायंट को देखकर जैक उन सबको शिप से जाने का कहता है और बाद में जब क्रैकन उनके शिप पर अटैक करता है तो जैक अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रैकन उसे निगल जाता है जिससे जैक स्पैरो की डेथ हो जाती है। बाद में जब डेवी जोन्स उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें उसका हार्ट नहीं होता है। असल में वो हार्ट जेम्स के पास होता है, जिसने उसे लॉर्ड कटलर के हवाले कर दिया होता है। मूवी के लास्ट सीन में हम बार बोसा को देखते हैं, जिन्हें टिया ने वापस से अलाइव कर दिया होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।